First question. The point is moving along the curve y cube equal to 27x. The interval in which the abscissa changes at slower than the ordinate. Abscissa चेंज करने का रेट क्या होगा dx एंड ऑर्डिनेट के चेंज करने का रेट क्या होगा dy. तो वो क्या बोल रहा है कि abscissa चेंजेस एट स्लोअर रेट, मतलब dx बाय dt जो है राइट वो dy बाय dt से कम होना चाहिए. हमें वो इंटरवल ढूंढना है. इंटरवल मतलब एक्स की वैल्यूज ऑब्वियसली, है ना. तो कौन सी एक्स की वैल्यू के लिए डीएक्स बाय डीटी छोटा होगा डीएक्स बाय डीवाई बाय डीटी से. तो विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव कर दिया राइट. तो क्या आ जाएगा, थ्री वाई स्क्वायर डीवाई बाय डीटी इज इक्वल टू 27x डीएक्स बाय डीटी. ये आ गया राइट. ठीक है ठीक है. अच्छा अब थ्री वाई स्क्वेयर ये कटा 9, तो वाई स्क्वेयर डीवाई बाई डी टी इस बाय 9 कर लो इस डीएक्स बाय डी टी. ठीक है, तो अगर मैंने डीएक्स बाई डी टी की वैल्यू इधर डाली तो ये आ जाएगा वाई स्क्वेयर बाय 9 डीवाई बाय डी टी लेस देन डीवाई बाय डी टी. ठीक है, तो वाई स्क्वेयर माइनस 9 माइनस 1 डी वाई बाय डी टी इज लेस देन 0. एक्चुअली मैं पंगा यहाँ पे इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ये वाली टर्म एक एक्स्ट्रा आ रही है जिसके कारण दो चीजों का प्रोडक्ट नेगेटिव हो रहा है ना, तो इसका भी साथ में कंसिडर होगा. लेकिन अगर हमने सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू टी किया ही ना, डीएक्स इज लेस देन डी टी किया डी वाई किया, यानी कि डीएक्स बाय डी वाई वुड बी लेस देन 1 होगा, है ना. और डी वाई बाय डी एक्स जो है ये ग्रेटर देन 1 होगा, ये चीज आएगा. ठीक है ना, तो डी वाई बाय डी एक्स क्या आ जाएगा, ये नीचे आके दैट इज 9 बाय वाई स्क्वेयर. ठीक है, क्या आ जाएगा 9 बाय वाई स्क्वेयर माइनस 1 ग्रेटर दैन 0, तो 9 माइनस वाई स्क्वेयर बाय वाई स्क्वेयर ग्रेटर दैन 0, तो 3 माइनस वाई इंटू 3 प्लस वाई बाय वाई स्क्वेयर ग्रेटर दैन 0, तो ये आ जाएगा माइनस 3 0 प्लस 3 नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव. अपने को चाहिए पॉजिटिव, तो अपना आंसर आ जाएगा ये. तो वाई की वैल्यू जो है राइट माइनस 3 से 3 होनी चाहिए, तो एक्स की वैल्यू डाल के उसके अंदर माइनस 1 आ जाएगा. ठीक है, बट अब देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी टी का भी साइन कंसिडर हो रहा है, तो यहाँ पे नहीं हो रहा कुछ ऐसा राइट. है तो उसमें भी कुछ गलत नहीं है, इसमें भी कुछ गलत नहीं, तो कुछ ना कुछ तो हो रहा है अलग, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है अलग. वी हैव टू फिगर इट आउट क्या गलत हो रहा है, दोनों में ऐसे क्या चीज है. इतना दिमाग होना चाहिए भाई. ठीक है, कि मान लो तुम्हें ऑन द स्पॉट क्वेश्चन जब तुम कर रहे हो, तुम्हें ये क्लिक किया तुम फंस गए, क्योंकि तुम तो दोनों का साइन कंसीडर करोगे और इसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कंसीडर करोगे राइट. अच्छा अब याद करो, जब जो हम रेट चेंज देखते हैं राइट, तो रेट चेंज के अंदर या फिर हम जब वो देखते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखते हैं राइट, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के अंदर हम एक्स का चेंज हमेशा पॉजिटिव लेके जाते हैं कि एक्स के बढ़ने पे वाई बढ़ रहा है या वाई कम हो रहा है. हाँ डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंगली हम कम भी बोल देते हैं, बट जनरली हम क्या बोलते हैं कि एक्स के बढ़ने पे वाई बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग, एक्स के बढ़ने पे वाई कम हो रहा है तो डिक्रीजिंग. यानी कि जो एक्स के अंदर चेंज हम लेके जाएंगे वो जनरली पॉजिटिव कंसिडर करते हैं. ये समझ आ रहा है, ठीक है ना. एक्स के अंदर जो चेंज है ना वो जनरली पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, यानी कि ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव. ठीक है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये वाली चीज पॉजिटिव, उसके अकॉर्डिंगली ये चीज हमारी बनेगी.
बट क्या बन रहा है ये, वाई स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नाइन लेस देन जीरो, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, वाई माइनस थ्री इंटू वाई प्लस थ्री लेस देन जीरो बाय नाइन हो गया, ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज भी हमारी चल जाएगी, ठीक है ना। थर्ड, अ पार्टिकल मूव्स सर, अलोंग, हाँ जी इस क्वेश्चन में वाई की वैल्यू डाल के एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो क्लोज इन डबल्स क्यों नहीं ले सकते? कि लाइक ऑप्शंस में ही हमारे को है नहीं ना? ये यहाँ पे देखो ना, ग्रेटर देन चाहिए ना अपने को, उसने ये डी वाई बाई डी एक्स, डी एक्स इज लेस देन डी वाई बोला, डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू डी वाई नहीं बोला ना। तो जीरो भी तो ओमिट होना चाहिए, क्योंकि वाई की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, तो एक्स की भी जीरो नहीं हो सकती, बट ऑप्शंस में कहीं जीरो ओमिट नहीं हुआ। आप वो बोलो कि डिनोमिनेटर में आ रहा है इसलिए, हाँ अच्छा, लेकिन अगर दूसरे से करेंगे तो डिनोमिनेटर में नहीं आ रहा। देखो एक बड़ी सिंपल सी बात समझो, ठीक है, कि वाई पे दोनों का रेट चेंज देख लेते हैं, डीएक्स का डी वाई पे डीवाई पे डीएक्स देख लेते हैं ना क्या आ रहा है, ठीक है ना। जीरो पे तो जीरो पे डीवाई पे डीएक्स क्या जा रहा है, जीरो ही आ रहा नहीं है? नहीं, मतलब 27 ही आ रहा है, वो एक्स तो निकल जाएगा ना, तो नहीं डीवाई पे डीएक्स की 20 ये आया ना अपना डेरिवेटिव, हमने अभी किया था डेरिवेटिव, ये यहां से डी वाई बाई डी एक्स 3y² इज 27, तो डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है 9y² राइट। अब डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन 1 चाहिए, आया ना। अब एग्जैक्टली जीरो पे फंक्शन डिफाइंड है, बिल्कुल डिफाइंड है, पहली बात तो फंक्शन डिफाइंड है, 0,0 से पास कर रहा राइट। अब जीरो पे एग्जैक्टली जीरो पे डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं है, लेकिन लेकिन उसके आगे पीछे क्या आ रहा है, प्लस माइनस इनफिनिटी राइट, तो यस सर। मतलब वर्टिकल वगैरह जा रहा है, लेकिन सिंगल हाँ एक जी, पॉइंट पे डिस्क्रीट पॉइंट पे जा रहा है, हाँ जी, उसके आगे पीछे क्या है, डेरिवेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। डेरिवेटिव तो उस पॉइंट पे भी पॉजिटिव ही कंसिडर होता है ना, अच्छा, ये डिस्क्रीट पॉइंट वाला केस हो गया। डिस्क्रीट पॉइंट वाला बेसिकली ऐसा आ रहा है यार, ऐसा आ रहा है। अब अगर मैं एक सिंगल पॉइंट की बात करूं तो उसको इंटरवल के अंदर लेके जाऊंगा ना, तो वहां पे वो इंक्रीजिंग ही है, इंक्रीजिंग ठीक है सर। का मतलब ग्रेटर देन 1 ही है। हाँ जी सर। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इक्वल टू x³ प्लस 2, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। तो बेसिकली dy बाय dx शुड बी 8, ये करना थर्ड में। ओके आंसर गलत सर, इसका पीछे आंसर है, है ही नहीं, हाँ मतलब बहुत ही अजीब है। 6y डैश दैट इज 3x², तो y डैश की वैल्यू 8 होनी चाहिए, 6 3 इज 2, 8 टू द 16, तो x आ गया प्लस माइनस 4, ठीक है। चलो हो सकता है मिसप्रिंट हो, अरे हो सकता कुछ हो रही हो, कोई बात नहीं, 0,1 तो सेटिस्फाई भी नहीं कर रहा, ठीक है ना, कोई बात नहीं। अगला फोर्थ, व्हाट इज पोर्ड इनटू एन इन्वर्टेड कॉनिकल वेसल एट ऑफ विच द रेडियस ऑफ द बेस इज 2 मीटर एंड हाइट इज 4 मीटर एट द रेट ऑफ 77 लीटर पर मिनट, द रेट एट विच द बेस वाटर लेवल इज राइजिंग एट द इंस्टेंट When the depth is 70 meter, 70 cm is, ठीक है, ये वाले ठीक तो एक कौन है
इन्वर्टेड कोन है, ठीक है, इन्वर्टेड कोन मतलब ये कोन, तो इन्वर्टेड कोन हो जाएगा ऐसा, ठीक है, जिसका बेस का रेडियस है 2 मीटर एंड हाइट है 4 मीटर। अब इसके अंदर हमने पानी डालना शुरू किया एट द रेट ऑफ 77 लीटर पर मिनट, ठीक है। द रेट एट विच द वाटर लेवल इज राइजिंग एट द इंस्टेंट व्हेन द डेप्थ इज 70, तो ये जो चीज है, जब ये चीज 0.7 मीटर हो गई, उस टाइम पे जो वाटर लेवल है वो किस रेट पे राइज कर रहा, ठीक है, हाइट बढ़ती जा रही है ना, तो हाइट के बढ़ने का रेट चाहिए, ठीक है। यानी कि ये जो छोटा सा कोन बन रहा है, इसका जो हाइट बढ़ रही है, इसका डीएच बाई डीटी से, ठीक है। तो देखो पहले तो सब कुछ सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, ये 200 सेंटीमीटर, ये 400 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 70 सेंटीमीटर दे रखा था, राइट। अच्छा 77 लीटर पर मिनट, 1 लीटर इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, तो ये आ जाएगा 77,000 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। अच्छा जो यूनिट हमें चाहिए पर सेंटीमीटर पर मिनट चाहिए। अब देखो जो वॉल्यूम होता है कोन का, ठीक है, 1/3 πr² ये आ गया, ठीक है। अच्छा अब अगर मैंने यहाँ पे dv बाई डी टी किया, लेकिन यहाँ पे तो आर भी और एच भी है, तो दोनों का आपस में रिलेशन चाहिए, तो ये आ जाएगा आर, ये आ जाएगा एच, तो एच को और आर का आपस में रिलेशन क्या है, जो ये बड़े वाले का रिलेशन होगा, क्योंकि उसी के फॉर्म में जा रहा है सिमिलर ट्राइंगल, तो आर बाय एच वुड बी इक्वल टू 200 बाय 400, दैट इज 1/2। अब मेरे को एच का रिलेशन चाहिए, तो मैं आर को इलिमिनेट करूंगा, तो आर आ जाएगा h/2, तो इधर आर की वैल्यू पुट कर दी, तो π/3 h into r² आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, h²/4, तो π/12 h³। अब डेरिवेटिव किया, तो dv बाई डी टी इज π/12 into 3 h² dh/dt, तो मेरे को ये निकालना है, ये दे रखा है 77,000, दैट इज π/12 into 3 into h² और कब निकालना है, जब हाइट है 70, तो इधर आ जाएगा 70 70 into 70 ना, ये 00 कटेगा, 7 1 7 11 था, तो 110, दैट इज 22/7 एंड 3 1 4 एंड इधर बचा है सिर्फ 1 7 एंड साथ में dh/dt हो जाएगा, ये करना था। मतलब जिनका रेट चेंज के अंदर, देखो थ्योरी में भी हमने ये किया था, रेट चेंज के अंदर जिनका रिलेशन, जिसका रेट चेंज दिया होता है और जिसका रेट चेंज निकालना होता है, उनका आपस में रिलेशन निकालना होता है, रिलेशन लगा के बस डेरिवेटिव करना है, दैट्स इट बेटा, ठीक है ना। क्या तो ध्यान से देख, क्या सिचुएशन देख, सिचुएशन नहीं समझी अभी, ये एक कॉनिकल वेसल है, उसके अंदर पानी भरते जा रहे हैं, ये कौन है जो धीरे धीरे करके जिसकी हाइट बढ़ती जा रही है, वो इसकी बात करता है। फोर्थ, तो हो गया फिफ्थ, एट टाइम टी ग्रेटर देन 0 द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीजिंग एट द रेट प्रोपोर्शनल टू इट्स रेसिप्रोकल ऑफ इट्स रेडियस, यानी कि जो वॉल्यूम है डीवी बाई डी टी, ठीक है, इज इंक्रीजिंग एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स रेडियस, यानी कि डीवी बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, ठीक है। एट टाइम टी इक्वल टू 0 रेडियस इज 1 यूनिट एंड टाइम टी इक्वल टू 15 रेडियस इज 2 यूनिट्स, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर एज अ फंक्शन ऑफ टी एंड एट व्हाट टाइम टी विल द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर बी 27 टाइम इट्स वॉल्यूम, टी इक्वल टू 0 पे जो उसका आ रहा है ना, उसका 27 टाइम होना चाहिए, तो किस टाइम पे 27 टाइम होगा, कौन से 27 टाइम्स, बोले 27 टाइम तो समथिंग होना चाहिए ना, तो कौन सा, जो टाइम टी इक्वल टू 0 था वॉल्यूम, उस वॉल्यूम का 27 टाइम, ठीक है। अब देखो
अच्छा वॉल्यूम है क्या स्फीयर का? 4/3 पाई r³, तो dv बाय डी टी क्या जाएगा? 4/3 पाई 3 r² dr/dt, ये कटा 4 पाई r² dr/dt। नाउ दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r और दैट इज इक्वल टू k/r, ये आ गया ठीक है। अब यहां से dr बाय डी टी क्या बना? k/r, साथ में आ जाएगा 4 पाई r² तो दैट इज k/4 पाई ×1/r³ ठीक है। अब एक काम करो, डी टी को उधर ले जाओ एंड आर क्यूब को इधर ले आओ, तो आर की पावर 4/4 ठीक है, दैट इज इक्वल टू k/4 पाई t + c। यहाँ पे दो चीजें हैं जो मेरे को ढूंढनी है, एक k एंड एक c, तब जाके मेरा रेडियस एंड इसका रिलेशन बनेगा। हाँ ये ना, उसके लिए दो वैल्यूज दे रखे हैं, जब टाइम t 0 है तो रेडियस 1 है, t को 0 पुट किया ये 0 हो गया, r 1 है तो 1 पुट करके 1/4, तो c की वैल्यू 1/4 ठीक है। अब जब t 15 है तो k ×15/4π + 1/4 इज इक्वल टू r है 2, 2 की बार 4 16, 16/4 ठीक है। ये दोनों का 4 इधर आया तो इधर आ गया 16, ये 4 गया ये गया राइट, ये 1 इधर आया तो 15, 15 15 गया इधर आ गया 1, तो k की वैल्यू पाई, ये पाई पाई कटा तो ये रिलेशन आ गया। अब ये 4 4 4 भी कटेगा तो r की वैल्यू t + 1 की पावर 1/4, ये क्लियर है राइट, रिलेशन आ गया। अगला कर सकते हो खुद, चलो देख, इफ सेक्शन वाई एट द साइड ऑफ टू स्क्वायर सच दैट, देखो एक स्क्वायर है एक दूसरा स्क्वायर है, इसकी साइड एक्स है इसकी साइड वाई है, तो वाई इज इक्वल टू x-x² फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सेकेंड स्क्वायर जिसकी साइड वाई है, तो इसका एरिया का रेट चेंज ढूंढना है, तो एरिया वाई स्क्वायर, तो डीए बाई डी टी ढूंढना हमें, दैट इज 2y dy बाई डी टी ढूंढना हमें विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट स्क्वायर। अच्छा रेट चेंज ऑफ एरिया ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट स्क्वायर व्हेन एक्स इज 1, अच्छा तो ये a1 ये एंड a2 है x², तो dA2 by dt वुड बी 2x dx by dt राइट। अब रेट चेंज ऑफ एरिया ऑफ द फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू द सेकेंड ढूंढना है, यानी कि इन दोनों का डिवीजन चाहिए हमें राइट, इन दोनों का डिवीजन का मतलब 2y dy by dt डिवाइडेड बाय 2x dx by dt, ये कटा तो y/x dy by dx ये चाहिए हमें, इसकी वैल्यू चाहिए कब, वेन एक्स इज 1, एक्स अगर 1 है वाई तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, तो ये तो 0 आ रहा है, 0 है आंसर सर इसमें DA1 बाय DA2 नहीं कर सकते और दोनों को विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअली एक्स के में फिर। ये इन दोनों को डिवाइड करोगे वही आएगा ना, तो वो आएगा उसमें एक वही इक्वेशन आ रही थी मेरी, तो उसमें X1 पुट करके आंसर 0 ही आ रहा था, मैं वैसे पूछ रही हूँ। नहीं, वो भी चलेगा वो भी चलेगा। ठीक है सर। फिर है 8, 8 ये भाई तूने कुछ लिखा हुआ है हाँ पता है ना, जी मतलब जो पूछना वो चीज़ सर, जी, मेरे से रेट चेंज वाले क्वेश्चंस नहीं हुए। क्यों मेरे से भी नहीं निकल रहे, बहुत मतलब बहुत मुश्किल से निकाले हैं मैट, कुछ समझ नहीं आ रहा इन क्वेश्चंस में। कौन से वाले क्वेश्चन में रेट चेंज वाले? पूरी पूरी यस असाइनमेंट में सर। मेरे को तो बड़ा कुछ कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, करनी कैसे है पता नहीं, बहुत टाइम लग गया कल, मैं आधा दिन यही काम कर रहा था बैठ के। रीड चेंज वाले क्वेश्चन के अंदर अगेन एक बड़ा सिंपल सा काम करना होता है, जिस चीज अभी जितने भी रिलेशन हमने देखे हैं, जितने भी ऐसे काम किए हैं क्वेश्चन किए हमने, इनके अंदर सिर्फ एक ही चीज कॉमन थी, जिसका रेट चेंज हमें दे रखा था, जिसका रेट चेंज निकालना था, दोनों के बीच में रिलेशन निकाला, डेरिवेटिव किया,
हीट चेंज के क्वेश्चन में यही करना होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना होता। जैसे देखो जरा अगला 8 क्वेश्चन, अ 13 फीट लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, ये ठीक है, व्हेन इट्स बेस स्टार्ट टू स्लाइड अवे, तो ये दूर जाना शुरू कर दिया। एट द इंस्टेंट व्हेन द बेस इज 12 फीट अवे, तो जब ये 12 फीट अवे है, द बेस इज मूविंग अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 5, तो ये जो चीज है ये इधर जाने के इसका रेट क्या है, 5 फीट पर सेकेंड, ठीक है, ये टोटल 13 है, ये चेंज नहीं कर रही और ये धीरे धीरे करके दूर जाता जा रहा है। एट दैट द रेट एट विच द एंगल क्यू बिटवीन द लैडर एंड द ग्राउंड, तो लैडर एंड ग्राउंड के बीच में जो एंगल है क्यू, राइट, इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ, तो इसके चेंज करने का रेट क्या होगा, राइट। अच्छा आप ध्यान से देखो, अब मेरे को एंगल के चेंज करने का रेट चाहिए, राइट। अब पूरी सिचुएशन समझो कि ये बेस है बी, ये बेस है ए, मैंने एन बी इसलिए लिया क्योंकि एन बी वेरी कर रहे हैं, 13 नहीं वेरी कर रहा क्योंकि लेडर की लेंथ तो उतनी है, धीरे धीरे करके नीचे जा रहा है तो ए कम होता जा रहा है, बी बढ़ता जा रहा है, और बी के बढ़ने का रेट दे रखा है मेरे को, क्योंकि बी ये जितने रेट से ये पॉइंट इधर जाएगा उतने रेट से बेस बढ़ेगा ना, यानी कि ये जो 5 दे रखा है ये मेरे को डीबी बाई डीटी दे रखा है, 5 फीट पर सेकेंड, ये मेरे को डीबी बाई डीटी दे रखा है, राइट। और कब ढूंढना है, राइट, जब बेस है 12 फीट। अच्छा जब बेस 12 फीट होगा एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ये क्या होगा, 5 फीट। अब ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है, यहां पे ढूंढना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं फिक्स सिचुएशन को मैं वेरिएबल सिचुएशन नहीं लेके जा सकता कि टेन थीटा मेरा 5/12 आ गया तो डी उसका डेरिवेटिव किया तो 0 आ गया भाई, तो एंगल चेंज ही नहीं हो रहा यार, एंगल चेंज मतलब जैसे वो गिरता जा रहा है, 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 एक पर्टिकुलर मूवमेंट में वो पूछ रहा है, किस मूवमेंट पे, जब ये 12 होगा, जब ये 5 होगा, उस पर्टिकुलर मूवमेंट पे रेट चेंज क्या एंगल का, एंगल चेंज होता जा रहा है लेकिन उस पर्टिकुलर मूवमेंट पे रेट चेंज क्या आएगा, क्वेश्चन समझे, यानी कि मेरे को एंगल का रिलेशन होना है। अब एंगल का रिलेशन मेरे पास साइन कोसाइन कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ध्यान से देखना, लेट से साइन करें, कॉस करें, टेन करें, क्या करें, कॉस करें, हाँ कुछ नहीं फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं, मैं दोनों से करके दिखा देता हूँ, कॉस सेम और कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं। कॉस थीटा क्या आ जाएगा, इस वेरिएबल ट्रायंगल का बेस कॉस थीटा नहीं कॉस क्यू जो हमें निकालना है, राइट, इस वेरिएबल ट्रायंगल का बेस एंड बाय हाइपोटेन्यूज, तो आ जाएगा b/13, ठीक। अच्छा अब मेरे को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव करना है क्योंकि ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, तो कॉस का डेरिवेटिव -sin³ × tq/dt, दैट इज इक्वल टू db/dt, और साथ में आ गया 13, ये मेरे को निकालना है, ये मेरे को गिवन है क्या, db/dt मतलब बेस के रेट चेंज का, बेस का रेट चेंज निकालना पड़ेगा, राइट, वो मेरे को दे रखा है, इनफैक्ट क्या दे रखा है, 5, तो इधर 5 पुट कर दिया, तो 5/13, एंड उस पर्टिकुलर मूवमेंट पे साइन क्यू की वैल्यू क्या होगी, तो उस पर्टिकुलर मूवमेंट पे ये 12 है, ये 5 है, तो साइन क्या हो जाएगा, 5/13, तो इधर आ जाएगा -5/13 × dq/dt, दैट इज इक्वल टू 5/13, ये कटा, तो dq/dt इज -1 रेडियन पर सेकेंड, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 रेडियन पर सेकेंड के रेट से वो कम, नेगेटिव का मतलब होता है कम हो रहा है, राइट, तो ये आंसर है, क्लियर हुआ क्या किया, अगेन इसके अंदर भी जिसका रेट चेंज हमें गिवन था, जिसका रेट चेंज हमने निकालना था वो लेके गए, ऑनलाइन क्लियर हुआ, यस सर, सारे के सारे यस क्वेश्चन सर, में ऐसे ही करना है, एक काम करेंगे ठीक है, इसका जो रेट चेंज वाले क्वेश्चन है ना इसका अलग से मैं एक और कुछ है ना प्रैक्टिस करने के लिए एक और असाइनमेंट दे दूंगा, ठीक जब हमने वो लिया मतलब हम बेस को गिरे गिरे हैं तो हाइट भी तो चेंज करेंगे बिल्कुल कर रही है, क्या हाइट ले सकते हैं ले सकते हैं, उस बट पर्टिकुलर मूवमेंट पे, ये उस पर्टिकुलर मूवमेंट पे बात हो रही है, तो बेस भी है। हाँ तो बेस तो 12 भी लेके जा रहा हूँ उस पर्टिकुलर मूवमेंट, देखो ये चेंज आ गया, ये आ गया चेंज, अब चेंज के अलावा जो चीजें पड़ी हैं वो है कि किस मूवमेंट पे बात हो रही है, वो तो चेंज नहीं रिप्रेजेंट करेगा, वो तो वेरिएबल है। सर हाँ जी
इसमें साइन क्यू वाला रिलेशन तो नहीं लेके जा सकते ना, क्योंकि क्या लेके जा वो सकते हैं? ए साइन लेके जा क्यू वाला सकते हैं, आ रिलेशन। जाएगा उससे भी, लेकिन उससे डीए बाई डी टी को एलिमिनेट करना पड़ेगा, हाँ वही। राइट? उसे करना पड़ेगा डीए बाई डी टी। और अच्छा आप मेरे को ये बताओ, इसी के अंदर ये भी नीचे गिरता जा रहा है, कम होता जा रहा है ना, तो क्या इसके कम होने का रेट ढूंढ सकते हैं हम? बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? 13 का स्क्वायर, ये तो कॉन्स्टेंट है, तो विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव कर दो, तो 2 ए डी ए बाई डी टी प्लस 2 बी डी बी बाई डी टी इज जीरो। अब डी बी बाई डी टी की वैल्यू 5, इधर 5 पुट किया, राइट? किस मोमेंट पे निकालना जब बेस किया? 12 इंटू टू, 2 इंटू ए क्या है? 5 इंटू डी ए बाई डी टी, ये 2 2 गया, 5 5 गया, तो डी ए बाई डी टी क्या आ गया? -12, अपने आप नेगेटिव आ गया। क्यों? क्योंकि ये कम हो रहा है। तो डी ए बाई डी टी भी निकाल सकते हो। अब इसको यूज करके तुम साइन का रिलेशन यूज कर लो, टेन का रिलेशन यूज कर लो, ठीक है सर। A horse runs along a circle with a speed of 20 km/h. A lantern is at the center of the circle. ठीक है, यहाँ पे एक लैंप है। At the center of the circle, a fence is along the tangent to the circle. देखो यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ये फेंस है। एट विच द होल स्टार्ट, तो जिस पॉइंट से वो स्टार्ट किया होल्स, उस पॉइंट पे वो टेंजेंट है वॉल। फेंस ले लो, वॉल ले लो, ठीक है। द स्पीड ऑफ विच द शेडो ऑफ द होल्स मूव अलोंग द फेंस एट द मोमेंट व्हेन इट कवर्स 1/8 ऑफ द सर्कल इन किलोमीटर/आवर इज, क्या बोल रहा है? देखो जैसे जैसे सर्कल होल्स जो है वो सर्कल में मूव करेगा, तो उसका शेडो, जब ये हॉर्स यहाँ पे होगा शेडो यहाँ पे होगा, हॉर्स यहाँ पे होगा शेडो यहाँ पे होगा, तो जैसे जैसे हॉर्स इस तरफ मूव कर रहा है, शेडो इस तरफ मूव कर रहा है, राइट? तो शेडो के मूव करने का रेट क्या होगा? तुमने देखा होगा लैंप के नीचे जब तुम जाते हो, अगर तुम लैंप से दूर जा रहे हो तो शेडो बड़ी होती है, लैंप के पास आ रहे हो तो शेडो कम होती है, राइट? यही होता है। इसका डेमो देता हूं, ये देखो सर, ये मान लो लैंप है, वो लैंप, ये रोड है, ये वो है अपना स्ट्रीट लैंप है ना, तो ये है तुम्हारी हाइट, और जैसे जैसे तुम दूर जा रहे हो देखो शेडो बढ़ रही है, जैसे जैसे पास आ रहे शेडो छोटी हो रही है, ये समझ रहे हो ना? ये देखो शेडो बड़ी शेडो कम हुई, शेडो बड़ी शेडो कम हुई, ये चीज, ठीक है ना? वो इस चीज की बात कर रहा है। तो कब निकालना है? जब उसने 1/8 ऑफ सर्कल ट्रेवल कर लिया उस पर्टिकुलर मूवमेंट पे, जब 1/8 ऑफ सर्कल पे है, राइट, उस पर्टिकुलर मूवमेंट पे उसके शेडो के बढ़ने का रेट क्या होगा, ये अपने को निकालना। ये क्लियर है? एक रिलेशन तो ये आ गया, ये अगर आर है, ये अगर एल है, ये थीटा है, एंड इस ट्रायंगल के अंदर लेट से ये एस है, तो पहला रिलेशन क्या आ गया? थीटा वुड बी एल बाय आर, राइट? अब अपने को यार जो घोड़े के भागने की स्पीड दे रखी है वो
इस सर्कल के लॉन्ग दे रखे, यानी कि वो इस लेंथ के चेंज करने का रेट, ये समझे? सर्कमफ्रेंस पे जा रहा है ना वो, तो सर्कमफ्रेंस के रेट चेंज करने का रेट आ जाएगा ना, यानी कि अपने को जो डीएल बाय डीटी दे रखा है वो दे रखा है 20 किलोमीटर पर आर, अपने को ये दे रखा है। रेडियस तो कांस्टेंट है, अब जैसे जैसे एल चेंज कर रहा है वैसे थीटा चेंज करेगा, वो यहां से मिलेगा मेरे को, ठीक है? तो डी थीटा बाई डी टी इज 1/r डीएल बाई डी टी, क्योंकि रेडियस नहीं चेंज कर रहा, तो डीएल बाई डी टी इधर फुट किया तो क्या आ जाएगा, 20/r, ठीक है? 20/r, ये क्लियर है? श्योर। अब कंसीडिंग आर टू बी इन द रेडी किलोमीटर, तो ये आ जाएगा मेरा रेडियन पर आर, डी थीटा बाई डी टी। अब मैं बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर आता हूं, राइट? तो बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर मेरा टैन थीटा कैसा आएगा, एस बाय आर, आर तो अगेन कॉन्स्टेंट, तो टेन का डेरिवेटिव सिकेंस के थीटा इंटू डी थीटा बाय डी टी, दैट इज 1/r डी एस बाय डी टी, मेरे को ये निकालना है। और ये दे रखा है, ये वाली वैल्यू पुट कर दी, क्या आ गया 20/r इंटू सीकेंस के थीटा दैट इज 1/r डी एस बाई डी टी, आर आर कटा, राइट? मेरे को डी एस बाई डी टी निकालना है, वो आ जाएगा 20 इंटू सीकेंस के थीटा। अब कब निकालना है, 1/8, 1/8 का मतलब 45 डिग्री, तो 45 डिग्री पुट किया तो सीकेंस 45 डिग्री, रूट टू का स्क्वायर 2, राइट? 2 इंटू 2 तो 40 किलोमीटर पर, ये आ गया डी एस बाई डी टी। फिर एक 14th क्वेश्चन भी करा देना। हाँ जी, ठीक पहले 12 देख लो। द कर्व वाई इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 5 टचेज द एक्स एक्सिस दैट, मतलब क्यूबिक है ना, तो एक्स एक्सिस को टच करके जा रहा है -2 पे, ऐसा भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, यानी कि यहां पे इसका डेरिवेटिव 0 होगा, ठीक है? अब यार ये ऐसा होगा क्यूबिक, ऐसा या फिर ऐसा हो जाएगा, है ना? या फिर ऐसा, या फिर ऐसा, एक सेकंड, मैं चारों केसेस अभी लेके जा रहा हूं, ठीक है? मैंने अगला वाला देखा नहीं अभी ना। एंड कट द वाई एक्सिस एट द पॉइंट क्यू वेर इट्स स्लोप इज 3, चलो वो अलग बात है, उसका इससे कोई लेना नहीं, बट पहले, हाँ वो ठीक है, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि ये टच करके जा रहा है ना, यहाँ पे रिपीटेड रूट होगा, राइट? तो इसका जो क्यूबिक आएगा वो वाई इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर इंटू वाई एक्स माइनस बीटा, ऐसे फॉर्म में होगा, मतलब एक्चुअली में एक्स माइनस अल्फा यानी कि एक्स माइनस ऑफ -2 यानी कि एक्स प्लस 2 जो है उसके अंदर 2 बार आएगा, मतलब वो इसका तो रूट हो गई होगा, इसके डेरिवेटिव का भी रूट होगा, ये समझे, राइट? तो हो जाएगा, 3 कंडीशन मिल गई ना अपने को, एक इसका रूट है, एक इसके डेरिवेटिव का रूट है, और डेरिवेटिव की वैल्यू एक्स इक्वल टू 0 पे 3 है, स्लोप 3 दे रखिए, तो वहां से तीनों इक्वेशन से तीन तीन वेरिएबल एबीसी आ जाएंगे। टच करने वाली चीज से याद रखो रिपीटेड रूट होता है वहां पे, तो उसका रूट तो हो गई होगा, उसका डेरिवेटिव का भी रूट हो गई होगा, ठीक है ना? और अगर सेम साइड जा रहा है टच करने पे, क्योंकि 3 रूट है क्यूबिक के, राइट? एक तो आएगा ही आएगा, बाकी जो दो पेयर में रूट एग्जिस्ट करते हैं ना हमारे, क्योंकि क्वाड्रेटिक वगैरह बनेगी हमारी, तो अगर इमेजिनरी आएंगे तो पेयर में आएगा, तो एक तो सिंगल आएगा ही आएगा। अब ये वाली जो चीज है, राइट, यहाँ पे 2 3 4 कुछ भी आ सकते हैं, रिपीटेड रूट आ सकते हैं, ठीक है ना?
अच्छा, क्या ये ऐसा नहीं हो सकता कि तीनों के तीनों रूट रिपीट कर रहे हैं? हो तो ये भी सकता ही है। टच करके जा, ये भी हो सकता है, ठीक है ना? तो इसने यही बोला है ना, एंड कट द वे एक्सिस एट द पॉइंट वेयर इट्स ग्रेडियंट इज 3। दोनों के सिरे लेके जाने पड़ेंगे, ठीक है ना? इस केस में वो क्यूबिक बन जाएगा, तो वाई इक्वल टू ए टाइम्स एक्स माइनस टू का क्यूब, ऐसा कब जाएगा। अब ए इस तरीके से हमें चेक करना है, चूज करना है कि डेरिवेटिव जो होगा जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पे, राइट, वो आना चाहिए 3, ठीक है? दोनों केसेस कंसीडर करने पड़ेंगे। हाँ जी, मतलब फिर इसको रूट्स वाले तरीके से करना जरूरी है, मतलब एक वो इजी तरीका भी तो है, जैसे कि जो पी पॉइंट है उस पे जो मतलब कर्व है उसका डेरिवेटिव जीरो है क्योंकि वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा अब है, आप तो बात नहीं समझे। मैं वो पॉइंट बोल रहा हूँ कि वो तो आएगा ही आएगा, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर वो रिपीटेड रूट है 2 बार या 3 बार, तो जो माइनस टू है ना, वो सिर्फ उसका रूट नहीं है, वो डेरिवेटिव का भी रूट है, और खुद अच्छा. का भी तो रूट हो गई होगा ना फंक्शन का, उसके डेरिवेटिव का, हो सकता है डबल डेरिवेटिव का भी रूट आ जाए। ठीक है, ये चीज मैं बता रहा हूँ, ओके. सिंपली हो जाएगा, वैसे ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है सर. 14th, द पॉइंट ऑन द कर्व वाई इक्वल टू एक्स क्यूब एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, मतलब जो डी वाई बाई डी एक्स है वो वाई के बराबर होना चाहिए, जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालो उस पॉइंट के वाई के बराबर होना चाहिए, तो आ जाएगा 3x² डेरिवेटिव, और वो वाई के बराबर होना चाहिए, एंड वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स क्यूब इधर पुट किया तो 3x² माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वेयर कॉमन आया तो 3 माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, तो या तो एक्स आया 0 या तो एक्स आएगा 3, लेकिन अगर एक्स 0 हो तो वाई 0 हो जाएगा और स्लोप आ जाएगी 0। 0 के लिए भी वैलिड है, 0,0 भी है, एंड एक्स इक्वल टू 3 पुट करोगे तो 3,27 भी है, ठीक है? देन इज ओके 15th, हाँ जी, फिफ्टींथ ओके सर, मतलब ओके ओके. द टेंजेंट टू द ग्राफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट द पॉइंट वेयर एक्सरसाइज ए फॉर्म्स द एक्स एक्सिस एन एंगल 30 डिग्री, यानी कि उसके एक्स इक्वल टू ए पे डी वाई बाई डी एक्स जो आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है? नहीं, पाई बाय 3 है ना, √3 आएगा। हाँ, √3 एट द पॉइंट वेयर एक्सरसाइज बी, तो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू बी दैट इज 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। कुछ मिसिंग है क्वेश्चन? सर इंटेग्रल वो मिसिंग है वो. हाँ, इंटीग्रल मिसिंग है, कोई बात नहीं। 16th का सी, इफ द टेंजेंट एट द पॉइंट 1,2 ऑन द कर्व वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस 7/2, इफ द टेंजेंट एट द पॉइंट 1,2, इसके ऊपर 1,2 पे जो टेंजेंट है बी नॉर्मल, बी पैरेलल टू द नॉर्मल एट 2,2, तो टेंजेंट पे जो एम, इस पॉइंट पे जो एम आएगा टेंजेंट का, ठीक है, दैट इज इक्वल टू नॉर्मल का एम एट -2,2 ऑन द कर्व वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x+10, और ये इसका बात हो रही है, ठीक है? तो मैंने क्या किया,
जी, तो इसका डेरिवेटिव किया वाई डैश क्या आ जाएगा, 2x+6 -2.2 पे, x को -2 पुट किया, -2 × 2 -4, 6 एंड -4 2, तो वाई डैश आ गया 2। तो ये आगे टेंजेंट की स्लोप, तो नॉर्मल की स्लोप क्या जाएगी, -1/2। ठीक है, एंड अब इसका किया डेरिवेटिव तो आ जाएगा 2ax+b। ठीक है, एट पॉइंट 1.2, तो 1.2 पुट कर एक्स को 1 पुट करके ये आ गया। तो एक तो ये रिलेशन आ गया, दोनों तो बराबर होने चाहिए। दूसरा, अब ये वाला पॉइंट जो है ये इस कर्व के ऊपर नहीं करता है, तो पॉइंट सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट। तो वाई की वैल्यू 2, एक्स को 1 पुट किया तो आ जाएगा a+b+7/2, राइट। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, यू विल गेट एन बी। नाइनटीन, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ सी सच दैट द स्ट्रेट लाइन दिस टचेस दिस इज x^4/2 इज इक्वल टू x+y एंड 3x+4y इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो सी की कितनी वैल्यूज के लिए ये एक दूसरे को टच करेंगे। तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है, पहले तो 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 एंड 2 वाई, फिर 2 से किया तो इधर आ जाएगा 4x एंड 4y, और 4y की वैल्यू क्या है, 3 -3x, तो ये आ जाएगा 4x+3 -3x, तो दैट इज x+3। ठीक है, तो 2x^4 इज इक्वल टू x+3। राइट, अब इसका डिस्क्रिमिनेंट तो 0 कर नहीं सकते, जनरल मेथड क्या होता है, टच करने का है तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक ही रूट आना चाहिए, राइट। अब वो कर नहीं सकते हम, राइट। अच्छा, अब यार हम ये काम जरूर कर सकते हैं कि इस कर्व की, ये जो कर्व दे रखी थी अपने को x^4 दैट इज 2x+2y, राइट, हम इसकी इसकी स्लोप क्या आ रही है, -3/4, तो -3/4 स्लोप की टेंजेंट ही ढूंढ लेते हैं, कितनी बनेगी उससे मेरे को पता चल जाएगा कितना सी पॉसिबल है, राइट। हम ये काम जरूर कर सकते हैं, मतलब इसके ऊपर आने वाला वो पॉइंट जरूर ढूंढ सकते हैं जहां पे डेरिवेटिव क्या आएगा, -3/4, तो दैट इज 4x³ इज इक्वल टू 2, इसका 4x³, इसका 2 आ गया, +2y डैश, तो वाई डैश की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -3/4, तो 4x³ इज इक्वल टू 2+2 × -3/4, एक ये 2, ये 2, ये कटा, तो 2x³ दैट इज इक्वल टू 1 -3/4, तो दैट इज 1/4, राइट। तो ये 2 इधर आया, तो x³ इज इक्वल टू 1/8, तो x इज इक्वल टू 1/2, तो x वही है 1/2 है, राइट। अब x अगर 1/2 है, इसके अलावा और कोई पॉसिबल ही नहीं है, कॉम्प्लेक्स है बाकी, तो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर वाली फॉर्म आ जाएगा। अब x इक्वल टू 1/2 पुट कराया तो y की एक ही वैल्यू आ रही है, तो x एंड y की भैया एक ही वैल्यू, जहां पर डेरिवेटिव -3/4 जाएगा, तो एक ही सी पॉसिबल। ठीक है ना, नेक्स्ट सर ये क्वेश्चन मैं फिर से बता दूं। भाई, मैंने क्या किया, इसकी कर्व की टेंजेंट ढूंढनी है जो कि ऐसी हो, यानी कि इसका स्लोप है -3/4, तो इसकी कर्व की टेंजेंट ढूंढनी है जिसका स्लोप -3/4 हो, ऐसी कितने टेंजेंट पॉसिबल है। तो मैंने क्या किया, इस कर्व के ऊपर आने वाले पहले तो पॉइंट चुने जहां पर डेरिवेटिव ये जा रहा है, अगर एक से ज्यादा पॉइंट आ जाते तो एक से ज्यादा टेंजेंट बनती, एक ही पॉइंट आता तो एक ही टेंजेंट बनती, एक भी पॉइंट ना आता तो एक भी टेंजेंट ना बनती, तो इसके डेरिवेटिव के अंदर मैंने -3/4 पुट कर दिया, वहां से देखा एक्स की वैल्यू आ रही है सिर्फ एक, एक से ज्यादा आई नहीं,
एक एक्स के लिए एक ही वाई आ रहा है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर वाई में वाई की पावर वन है, राइट? तो एक्स जो मर्जी पुट करो वाई की एक ही वैल्यू आएगी, तो एक्स कोमा वाई आई गेट ओनली वन पॉइंट जब इसका डेरिवेटिव किया जा सकता है -3/4, राइट? तो एक ही पॉइंट आ रहा है, एक पॉइंट आ रहा है मतलब एक ही टेंजेंट बनेगी। ठीक है सर। अगला 20th, नहीं सॉरी 22। हाँ जी 22। फाइंड ऑल द लाइंस दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 1,1 एंड अ टेंजेंट टू द कर्व रिप्रेजेंटेड बाय एक्स इज इक्वल टू 2t - t² वाई इज इक्वल टू t + t² एंड कहाँ से पास करनी चाहिए सारी की सारी टेंजेंट 1,1 से, मतलब ऐसा ये कर्व है तो ये सारी की सारी वो टेंजेंट हमें निकालनी है जो 1,1 से पास करे। राइट? अच्छा तो अब देखो मैंने क्या किया, इसके टी पॉइंट पे जो ऑलरेडी मेरे को दे रखा है मैंने टेंजेंट बनाई, क्या आ जाएगी? वाई माइनस टी प्लस टी स्क्वेयर ओवर एक्स माइनस 2t² इज इक्वल टू इस पॉइंट पे डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या आएगा? पैरामेट्रिक। तो डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, तो ये क्या आ जाएगा? 2t + 1, 2t + 1 डिवाइडेड बाय इसका क्या आएगा? -2t + 2। ठीक है ना? अब ये 1,1 से पास करना चाहिए 1,1। अब सॉल्व कर लो, ठीक है ना? चलो 23rd, शो दैट द नॉर्मल टू द कर्व दिस आर टेंजेंट टू दिस। अरे यार इसकी जो नॉर्मल बनेगी ना एक्स को थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू ए बन जाएगी। किसी भी थीटा पॉइंट पे बना लो ना, टी पॉइंट पे बना लो, एक्स को टी प्लस वाई साइन टी इक्वल टू टी बन जाएगा 23rd में, और वो उस सर्कल की टेंजेंट होती होती है। किसका है 23rd? करके दिखाऊं क्या हो जाएगा? सेम ये वाला मेथड करना, टी की फॉर्म में लेके जाना बस, ठीक है ना? ट्वेंटी 7। देखो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 ऐसा कुछ दे रखा ये सही है। हम्म, है फाइव। ये तो 5/2 ही है भाई, जहां पे कट करके जा रहा अगला वाला पॉइंट 3 है मेरे ख्याल से। ऐसा नंबर ऑफ, देखो वो बोल रहा है एफ ऑफ मोड एक्स का मोड 3 कितनी बार होगा। तो पहले तो मैंने क्या किया, अंदर वाले का मोड कर दिया। अंदर वाले का मोड करने का मतलब ये चीज इधर आ जाएगी, ये हट जाएगी, ठीक है? अब जब मैंने मोड किया तो नीचे वाली चीज ऊपर चली जाएगी। अब ये वाली वैल्यू कितनी थी? 5। तो 3 कितनी बार होगा? 4 बार। तो 4 सोल्यूशन आएंगे इसके, क्या होगा? बेसिक ग्राफिकल थ्योरी है। तो ऐसा इधर भूल गया है तो मतलब खत्म हो गया। क्यूबिक है ना, तो आगे जाएगा ना, वो आगे जाएगा ना इन्फिनिटी में। क्यूबिक दे रखा तुमने, हो जाएगा 28th। द नॉर्म इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट आर इज, अच्छा क्यू पे ग्रेडियंट भी दे रखा आपने वो, तो 0,5 पे डेरिवेटिव भी दे रखा है एंड ये भी है। तो इसकी जो कर्व होगी, राइट, वो क्या जाएगा?
वाई इक्वल टू एक्स माइनस ऑफ माइनस टू तो प्लस टू का स्क्वेयर, एंड एक और रूट आएगा जो कि हमें दे रहेगा 5/2, तो एक्स माइनस 5/2 हो जाएगा, राइट इनटू ए। सर वो एग्जैक्टली 5/2 नहीं है। कैसे पता भाई? वो 2 और 5/2 के बीच में नहीं गिर रहा। ध्यान से देखो, ऐसे दे रखा है 0, 1, 2, 3, उन्होंने ये मार्क नहीं किया, बट ये इक्वल डिस्टेंस पे हैं, और कर्व तुम्हारा यहां पे पास कर रहा है, और उन्होंने लिखा 5/2 है। ऑब्वियसली वो ये पॉइंट को मार्क कर रहा है, वो ये पॉइंट को नहीं मार्क कर रहा। ध्यान से सोचो, ओके सर, ठीक है। ठीक है? अब इसका डेरिवेटिव देखो, एक्स इक्वल टू 0 में डेरिवेटिव को 3 कर दो, वहां से ए आ जाएगा, तो क्यूबिक आ जाएगी, राइट? तो उसका नॉर्मल वगैरह सब आ जाएगा फिर डेरिवेटिव वगैरह करके, राइट? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट क्यूब वो भी आ जाएगा यार। देखो एक रियल रूट तो आएगा आएगा, एक बार तो एक्स एक्सिस को कट करेगा, बाकी दो की बात कर रहे हैं ना। हाँ तो बाकी दो नहीं, बेसिकली उसका डेरिवेटिव के इमेजिनरी रूट होना चाहिए क्यूबिक, वो कैसा आएगा? दोस्त का दीजिए, यस, करेंगे और नहीं कर सकता है? रूट तो एक ही है ना, रियल रूट एक ही है। नेक्स्ट 34। हमें एफ ऑफ एक्स दे रखा है, एक्स स्क्वायर एफ ऑफ 1 माइनस एक्स एफ डैश 2 प्लस एफ डबल डैश 3 एंड एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 2। अब ध्यान से देखो, एफ ऑफ 1 को मैंने ए ले लिया, इसको बी ले लिया, इसको सी ले लिया, तो क्या बन जाएगा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, एंड 0 पे वैल्यू 2 दे रखी है, राइट? तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू सी दैट इज 2, तो सी की वैल्यू 2 है, तो ये आ गया 2। यानी कि एफ डबल डैश 3 इज 2, राइट? अब ध्यान से देखो, मैंने एफ डैश एक्स निकाला, क्या आ गया? 2a x माइनस b, राइट? अब इसकी 1 पे ये एफ डैश 2, 2 पे वैल्यू b है ना डेरिवेटिव की, तो इधर 2 डाल दिया, तो एफ डैश 2 के जा रहा है, इधर 2 डाल दिया, तो 4a माइनस b, और इसकी वैल्यू हम b लेके जा रहे हैं, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू b, राइट? अब इसको इधर ले जाओ, तो 4b सॉरी 4a इज इक्वल टू 2b, तो b इक्वल टू 2a आ जाएगा, राइट? एंड f ऑफ 1 इज a, तो इस पूरे के अंदर a को x को 1 पुट कर दो, तो वो आ जाएगा a, क्या आ जाएगा? a माइनस b प्लस 2, ये कटा, तो b की वैल्यू 2, b को 2 पुट करो, a आ गया 1, तो पूरी क्वाड्रेटिक आ जाएगी, फिर जो करना कर लो। तो तुम्हारा 33, 34, 35, राइट, ये सारा का सारा हो जाएगा, क्लियर है? 36, फाइंड द कंडीशन दैट दे मे कट ऑर्थोगोनली, करना पड़ेगा इसके अंदर वही मेथड है, और कुछ नहीं है, एडजेंट कंडीशन सिंपल बन जाएगी, बट करना पड़ेगा। इक्वेट करके पहले एक्स और वाई का जो अल्फा एंड बीटा आ रहा है वो भी रिलेशन ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना? 38, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड फाइंड द पॉइंट ऑन द हाइपरबोला, ये नियरेस्ट वाला आ गया ना, 38, 39। देखो एक्स वाई इक्वल टू 9 इज दिस,
ठीक है, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन इज देयर। ठीक, अब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा राइट इनका, वो अलोंग द कॉमन नॉर्मल होगा। ये समझ रहे हो, दो कर्व हैं, इन दोनों कर्व का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, जहां पे दोनों की पैरेलल टेंजेंट बनेगी एंड कॉमन, वहां पे कॉमन नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अकर अलोंग दी कॉमन नॉर्मल। ठीक है, तो अब यहां पे हमें इनकी कॉमन नॉर्मल ढूंढनी है राइट। अब सर्कल की नॉर्मल तो पता ही है, सेंटर से पास करती है राइट, तो हमें इसकी नॉर्मल ढूंढनी है जो सेंटर से पास करे राइट। तो हमने पहली बात तो एक्स वाई इक्वल टू 9 है, तो इसके ऊपर आने वाला ये सी स्क्वायर हो गया ना, थ्री स्क्वायर हो गया, तो सी टी कोमा सी बाई टी यही होता पैरामेट्रिक पॉइंट। सी आ गया 3, तो बेसिकली इसके ऊपर आ गया पॉइंट, आ गया 3t,3/t। अब इस पॉइंट पे हमने क्या किया, ये नॉर्मल ढूंढी राइट, तो इसके लिए इसका डेरिवेटिव कर दिया। तो एक्स वाई डैश प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 दैट इज इक्वल टू 0, तो वाई डैश की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वाई बाय एक्स दैट इज माइनस वाई की वैल्यू सी बाय टी, एंड एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी सी टी, ये कटेगा तो -1/t2। ये क्या आ गया, स्लोप टेंजेंट का, नॉर्मल का स्लोप क्या आ जाएगा t2। तो इक्वेशन क्या आ गई, y -3/t/x -3t दैट इज इक्वल टू स्लोप दैट इज t2। अब जो ओरिजिन से बात करना चाहिए कॉमन नॉर्मल होने के लिए, ये 0 ये 0 ये कटा, ये 3 3 कटा, तो 1/t2 इक्वल टू t2, तो t की वैल्यू क्या आ गई +-1। -1 वाला तो हो ही नहीं सकता राइट, तो t इक्वल टू 1 आ गया राइट। तो t इक्वल टू 1 पुट किया क्या आ जाएगा, 3,3, एंड ये पॉइंट आ जाएगा तुम्हारा 1,1, क्योंकि सॉरी नॉट 1,1, ये रेडियस है 1, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3,3 का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 3√2, 3² + 3² राइट, अंडर रूट माइनस इसका रेडियस कर दिया तो आ गया 1, तो ये डिस्टेंस आएगा इसके बीच का, ये छोटा सा। ठीक है, जैसे ये देखो ये कर्व है, एक पॉइंट है ठीक है। अब इस पॉइंट का, इस कर्व से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो भी कहां पे लाई करेगा, जहां पे इसकी नॉर्मल जो होगी वो इस पॉइंट से पास करेगी। ठीक है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइज अलोंग दी कॉमन नॉर्मल, कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही लाई करेगा। ठीक है ना, थर्टी नाइन्थ हाइपरबोला है 3x² - 4y² = 72 एंड 3x+2y+1 = 0। तो ये 72 नीचे आके हो जाएगा x² / 24 - y² / 18 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, एंड ये नेगेटिव स्लोप वाली लाइन है कुछ ऐसी है। ठीक है, तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ढूंढना है, तो एक काम करो ना, इस हाइपरबोला की, इसी स्लोप की -3x+ सॉरी स्लोप क्या आ रही है, -3/2, -3/2 स्लोप की टेंजेंट ढूंढ लो, और लाएगा तो कॉमन नॉर्मल ही ना वहां पे राइट, उन दोनों के बीच का पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस ढूंढ लो। बात कर, दो आएंगी तुम्हारी, एक ऊपर एक नीचे, एक का ज्यादा होगा एक का कम होगा। ठीक है ना, तो इससे इजली हो जाएगा ये वाला काम।